किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप की नेस्टिंग क्या कहलाती है। मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया हमने। ये जो फॉर लूप है ये आपका मेन फॉर लूप है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा है, ठीक है। देखिए इसी के अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिया गया और इसी के अंदर एक और फॉर लूप लगाया गया है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कोई और भी फॉर लूप होगा तो इस तरह की जो हम लूपिंग करेंगे इसे कहेंगे नेस्टेड लूप। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एक लूप के अंदर दूसरा लूप जब चलेगा तो उसे कहेंगे नेस्टेड लूप। अब इसको मैं एक बार कंपाइल करवाता हूं। तो ये मैंने कंपाइल करवाया, अब एक बार इसको रन करवा देता हूं यहां से। तो आप देख पाएंगे कि यहां पर कुछ इस तरह से ये प्रिंट होकर आ रहा है। ये देख रहे हैं नंबर्स कुछ किस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं नेस्टिंग, फॉर लूप की नेस्टिंग।